हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे कि सर्किट डायग्राम्स कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब कि आपके एक सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टर्स दिए हों, तो उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। वो सर्किट सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं, या कंबाइंड भी हो सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट दी विद फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में हमारे पास तीन रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, आर वन, आर टू एंड आर थ्री। अब पॉइंट ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है? हमें ए से बी पे जाना है, यानी कि ए से बी पे जाने के कितने रास्ते हैं। एक यहाँ से जा सकते हैं, पहला रास्ता ये है, सेकंड ये। यानी कि रास्ते का मतलब होता है कि वो दोनों रास्ते एक दूसरे के पैरलर हैं, यानी कि ये फर्स्ट एंड सेकंड आर पैरलर टू ईच अदर। यानी कि हमें फर्स्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पहले ही दो रजिस्टर हैं, बट एंड दे बोथ आर इन एक ही रास्ते में है दोनों, तो ये दोनों सीरीज में होंगे। मतलब ये रास्ते वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट जैसे जैसे सर्किट्स कॉम्प्लिकेटेड होंगे ना, वैसे वैसे आपको लगेगा कि ये वाला जो तरीका है ये ज़्यादा बेनिफिशियल है इसके लिए, क्योंकि सर्किट डायग्राम्स ऐसे ही सॉल्व हो पाएंगे आपके। अभी लास्ट तक आप जब फोर्थ न्यूमेरिकल तक पहुँचोगे तब तक तो आपको लगेगा कि यही तरीका बेस्ट है, अदरवाइज़ बाकी तरीक़ों से ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रजिस्टर सीरीज में है, कौन सा रजिस्टर पैरलर में है। अब जो दोनों सेम पाथ में लाई कर रहे हैं ये किस में है? सीरीज में। ओके, तो सीरीज में है तो हम इसको लिखेंगे कैसे? आर वन एंड आर टू आर इन सीरीज, तो इनकी वजह से इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? आर वन प्लस आर टू, दोनों कितने हैं? सिक्स सिक्स ओम के। दैट मीन्स आर एस इज इक्वल टू 12 ओम। यानी कि मैं इन दोनों को एक 12 ओम के रजिस्टर से रिप्लेस करवा सकती हूँ। तो हमारी नई फिगर क्या बन जाएगी यहाँ पे? ये सिक्स का था हमारा नीचे वाला, और ये दो मिलके कितने हो गए? 12 ओम के। अब ए से बी जाने के फिर दो रास्ते हैं हमारे पास, ये दोनों किस में हो गए हमारे? ये आर एस है, ये आर थ्री है। अब क्या लिखेंगे? आर एस एंड आर थ्री आर इन पैरलर, दोनों पैरलर में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? वन बाय आर एस, सॉरी वन बाय आर पी, फॉर्मूला ये है ना, प्लस वन बाय आर थ्री, यानी 1/12 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करो, 12 एलसीएम आ गया, कितना आ गया? 1 प्लस 2, यानी कि 1/RP इज इक्वल टू 3/12, कट गया 4, सो RP इज इक्वल टू 4 ओम। यानी कि ए से बी तक जो हमारा रजिस्टर इक्विवेलेंट निकला वो ये निकला RP। इसको आप और अच्छे से लिख सकते हो, बट ये दो डायग्राम्स ज़रूर बनाना सॉल्व करते हुए स्टेप बाय स्टेप। ये फर्स्ट था, ये सेकंड स्टेप, ठीक है। इसी के नए न्यूमेरिकल पे आते हैं, नेक्स्ट वन। अब इस फिगर में भी हमें ए से बी ही जाना है। बीच में कितने रजिस्टर्स लगे हुए हैं? 1 2 3 4, ठीक है। अब ए से, सपोज बीच में कोई पॉइंट है सी, सी की बात कर लेते हैं। ए से सी जाने के दो रास्ते हैं। अब पैरलर का मतलब क्या होता है? जितने वेज मिलेंगे करंट को जाने के लिए उतना उसके लिए इजी हो जाएगा। जितना उसके लिए इजी होगा दैट मीन्स उतने उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन कम होगी, यानी कि रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो ए पे सी जाना है, तो ये दोनों क्या हुए? आर वन एंड आर टू पैरलर में। सिमिलरली आर थ्री एंड आर फोर भी पैरलर में हुए, इन दोनों की वजह से निकल गया आर पी वन। ये क्या आएगा? 1/RP1, 1/4 प्लस 1/4, दैट इज इक्वल टू 2/4, 1/2।
वन आर पी वन इज इक्वल टू दिस, तो आर पी डैश क्या आ गया 2 ओम, ये भी तो सेम है, तो इनका जो भी निकलेगा आर पी डबल डैश वो भी 2 ओम, तो हमारे पास नई फिगर क्या बन गई, ये 2 ओम सी पॉइंट ए और यहाँ पर भी 2 ओम, रिप्लेस कर दिया ये बी, यहाँ पे ये दोनों किस में हो गए अब सीरीज में, तो दोनों को ऐड कर दो 2 ओम + 2 ओम इज इक्वल टू 4 ओम, सो जो ये आया आपका लास्ट में इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक अब आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि पैरेलल और सीरीज को कैसे डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अब ये फिगर है, इसमें हमें ए से बी फिर बताना है। ठीक है, अब ऐसे फिगर्स में रास्ते काम आते हैं, ए से बी जाने के कितने तरीके हैं, 1, 2 और 3, तीनों रास्तों में एक ही रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो तीनों रास्तों को सॉल्व करो पहले। अब यहाँ से यहाँ जाते हुए कितने रेजिस्टेंस आए हैं, 3 और 2, तो ये 3 और 2 किस में हो गए, सीरीज में, तो इनकी वजह से सिर्फ एक ही रजिस्टर बनेगा, रजिस्टर दैट इज 5 ओम का। ठीक है, ये ए है, ये 1 ओम पहले ही है, और 3 और 2 इसकी वजह से कितना बनेगा फिर, 1 5 ओम का। ठीक है, अब कितने तरीके हैं जाने के, 1 2 3, यानी ये तीनों किस में हैं, पैरलर में, 5 1 एंड 5 आर इन पैरलर। ठीक है, जो एंड टू एंड जुड़े हैं ना वो पैरलर में होते हैं, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 + 1/5 + 1/5, 5 आ गया, 5 + 1 + 1, सो आर पी इज इक्वल टू 5/7, जिसको सॉल्व कर लेंगे ओम, तो ये आ गया हमारे पास नया रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस, ये वाला जो सर्किट है ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझना। इसमें हमें बोला है कि यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस लग गया, 1 2 3 4 5, ये पांचों में हमें क्या करना है, पहले ए टू बी निकालना है रेजिस्टेंस कितना है, फिर सी टू डी, तो यहाँ पर हम निकालेंगे ए टू बी, यहाँ निकालेंगे सी टू डी। अब देखो ए टू बी जाने के रास्ते 1 2, अब इसकी तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना, यहाँ से तो हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो दैट मीन्स हम कहाँ पहुँच रहे हैं, अब हमें बस दो ही रास्ते हैं 1 और 2। ये अब हमारे पास अगर हम नई फिगर बनाएं इसके अकॉर्डिंग, ये बी है, ये ए, ये भी 3 3 3, ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो इसकी वजह से हम एक ही रजिस्टर लगा सकते हैं ए बी, ये कितने हो गए टोटल 6, और यहाँ पर 3, ये दोनों किस में होंगे, ये दोनों एक रास्ता ये जाने का एक ये, तो ये दोनों हो गए पैरलर में, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/6 + 1/3, तो कितना आ गया, 6/3 दैट इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, अब हमें सी से डी जाना है, अब सी से डी जाने के कितने रास्ते हैं, एक तो यहाँ से यहाँ, एक ये, दो रास्ते हुए, तो हम क्या करेंगे, जो ये रास्ता है ये तो कॉमन है दोनों में जाने का, तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको समझना सर्किट कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सी टू डी, ये ए भी था, जब इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो ऊपर एक ही रजिस्टर रह गया, कितना, ये बन गया 6 ओम का, क्योंकि सीरीज में थे ऐड हो गए, ये 3 का 3 और 3। अब देखो ये और ये तो कॉमन है रास्ते आने के, ये दोनों किस में हो गए हमारे, पैरलर में, जैसे हमने ए बी के लिए निकाला, ए बी के लिए इक्विवेलेंट है बस ये, तो ये कितना है, इसको सॉल्व करके हमने यहाँ निकाला हुआ 2 ओम, तो इसकी जगह क्या आ गया, सी
ओम, थ्री थ्री। अब ये यहाँ से, यहाँ सी से डी जाने का सिर्फ एक रास्ता बचता है, तो ये तीनों किस में हो गए? सीरीज में। जब सीरीज में हो गए तो सीरीज का फॉर्मूला लग गया थ्री प्लस टू प्लस थ्री, तो आर एस कितना आ गया हमारे पास? एट ओम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट पार्ट में आधा सॉल्व कर लिया था, सेकंड में फिर पूरा ही सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये पेपर में आते हैं, है ये भी क्या, इसमें भी सर्किट सॉल्व करना है बट साथ में करंट भी निकालना है इस पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ साथ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालना है पहले इसका। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 24 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट कब निकलेगा? जब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ साइड में, ये कितने हैं देखो, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको सॉल्व करना है ए से बी को। ए से बी जाने के दो रास्ते हैं, वन टू। अब इन दोनों में दो दो रजिस्टर लगे हुए हैं, ये दोनों और ये दोनों आपस में क्या हैं, सीरीज में। तो ऊपर वाले दोनों को ऐड कर देंगे, कितना बच गया, फाइव प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू 25। नीचे वाले दोनों को भी ऐड कर देंगे, दैट इज 25। हमारा सर्किट एज इट इज बन रहा है। अब जो ये दोनों हैं, यहाँ पर दो रास्तों में कन्वर्ट हो रहे हैं ये, तो ये क्या हो गया, हमारे ये दोनों पैरलर में हो गए। अब पैरलर में हो गए तो आर पी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/25 प्लस 1/25। ये कितना हो गया, 1/RP। आर पी इज इक्वल टू 25/2, यानी कि 12.5 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर वोल्टेज कितनी दी हुई थी, 24 वोल्ट, और हमारा आई कितना है निकालना है और आर कितना है, 25/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें आई निकालना है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर था ओम्स लॉ से, तो यहाँ से आई का फॉर्मूला आ गया V बाय आर। वी कितना है हमारे पास, 24, और R कितना है, 25/2। जो बाय 2 था वो ऊपर चला गया, दैट मीन्स 48/25। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.92 एम्पियर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में एक और चीज़ पूछ लेते हैं, दैट कि हर एक रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज या करंट बताओ अपना अलग अलग, तो वो हम नेक्स्ट में करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस और चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको और न्यूमेरिकल्स करवा सकती हूँ। ओके, थैंक यू।